गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्लाइंडनेस होती क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस इज इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू काउंट फिंगर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स और 20 फीट। इसका मतलब कि एक पर्सन की इनएबिलिटी मतलब अक्षमता कि वो अच्छे से टू काउंट अ फिंगर्स मतलब वो 6 मीटर्स के डिस्टेंस से या फिर 20 फीट के डिस्टेंस से अपनी फिंगर अच्छे से काउंट नहीं कर पाएगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस। और टेक्निकल डेफिनेशन होती है ब्लाइंडनेस की, ये तो लेमैन डेफिनेशन है, ठीक है। और टेक्निकल डेफिनेशन है विजन 6 to 60 और लेस देन विद द बेस्ट पॉसिबल स्पेक्टिकल करेक्शन। इसका मतलब कि विजन 6/60 से कम होगी जिसके लिए उसको एक स्पेक्टिकल एक चश्मे की जरूरत होगी अब उसको करेक्ट करने के लिए, तो इसको हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं। डिमिन्यूशन ऑफ फील्ड विजन टू 20 डिग्री और लेस देन बेटर आई मतलब कि उसको 20 डिग्री या फिर उससे कम देखना थोड़ा कम हो जाएगा तो उसको भी हम ब्लाइंडनेस में काउंट करेंगे। फिर है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस। इसमें ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ था 1976 में एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द गोल टू रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस फ्रॉम 1.4 to 0.3। ये हमारा जो प्रोग्राम था नेशनल लेवल पे लॉन्च हुआ था 1976 में एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था विद अ गोल टू रिड्यूस। और इसका मेन गोल यह था कि जो ब्लाइंडनेस का प्रिवेलेंस रेट है वो हमें 1.4% से घटाकर 0.3% तक लेकर आना है। फिर है प्रिवेलेंस रेट ऑफ ब्लाइंडनेस एज पर सर्वे इन 2001 to 2002। जो सर्वे हुआ था हमारा 2001 से 2002 तक, प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इज एस्टिमेटेड टू बी 1.1%। तो प्रिवेलेंस रेट जो हमारा जो हमें दिखा था कि कितना न्यू केसेस है ब्लाइंडनेस के, वो हमारे 1.1% तक आए थे, ठीक है। टारगेट फॉर द 10th प्लान टू रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस टू 0.8%। तो हमारा जो टारगेट बना था 10th प्लान का, वो उसमें हमने ये भी इन्वॉल्व किया था कि जो प्रिवेलेंस रेट 2001 से लेकर 2002 तक 1.1% है, तो अब हमें उसको 5 ईयर जो प्लान आया था उसको जब 10 ईयर्स तक हमने लेकर गए थे, तो उसका जो 10 ईयर का प्लान था उसमें हमारा मेन एक ये भी हमने अपना टारगेट रखा था कि जो प्रेवलेंस रेट 1.1 है उस टाइम पे उसको हमको डिक्रीज घटाकर 0.8% तक लेकर आना है बाय 0.7 प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इज 1%, ठीक है। और जब हमने दोबारा से 0.7 पे सर्वे किया था तो उससे हमारा जो ब्लाइंडनेस जो रेट था वो 1.1 से घटकर 1% तक आ गया। मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस आर एज फॉलोज। और मेन कॉज मेन कारण है ब्लाइंडनेस के, फर्स्ट वन इज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, सेकेंड इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, कॉर्निया ब्लाइंडनेस। कॉर्निया ब्लाइंडनेस मीन्स कॉर्निया जो हमारा आईज का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया में अगर ब्लाइंडनेस हो जाए तो उससे भी हमें पूरी तरीके से हम अंधे हो सकते हैं। ग्लूकोमा, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की कोई आई की सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर किसी और चीज की सर्जरी हुई है लेकिन उससे हमारा आईज को भी इफेक्ट हो रहा है तो इससे हमें ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। पोस्टीरियर कैप्सुलर ऑब्जेक्टिफिकेशन, पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर और अदर्स। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम आर, अब हमारे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव थे प्रोग्राम के। फर्स्ट था टू रिड्यूस द ब्लैक लॉग ऑफ ब्लाइंडनेस थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस, की हमारा पहला गोल ये था कि ब्लाइंडनेस के जितने भी केसेस थे अब हमें उसे कम करना है। पहले तो हमें जल्दी से आइडेंटिफाई करना है ब्लाइंडनेस के केसेस और उसके बाद उनको सही से अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। सेकेंड गोल ये था हमारा ऑब्जेक्टिव टू डेवलप आई केयर फैसिलिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में और क्षेत्र में आई केयर फैसिलिटीज अच्छे से बनानी है ताकि हर कोई लोग चाहे वो अर्बन में रह रहे हो चाहे वो रूरल एरियाज में रह रहे हो अच्छे से उस फैसिलिटीज का फायदा ले सके।
टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग आई केयर सर्विसेज. तो हमको अब ह्यूमन सोर्सेज मतलब लोग भी अपॉइंट करने थे ताकि उस वो जो आई केयर है उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सके. जो गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसीज बनाई है, इतने सेटअप्स बनाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें ह्यूमन सोर्स भी चाहिए उनको कि वो उस तक पहुंच सके. टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस वो डिलीवर कर रहे हैं उसका क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है. टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन इन आई केयर, ठीक है. टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन इन आई केयर, मतलब कि लोग खुद से आकर अपनी आई चेकअप कराएं, ठीक है. क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर लोग आके अपने आई का चेकअप कराएंगे तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं ले सकता, मतलब वो ब्लाइंडनेस तक नहीं पहुंच पाएगा. फिर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कवरेज. फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड एट वेरियस लेवल अंडर द स्कीम. तो अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर प्रपोज हुए थे हल अलग अलग लेवल पे, जैसे कि सेंटर लेवल पे हमारे अलग अलग चीजें प्रपोज हुई थी, ठीक है. स्टेट लेवल पे हमारी अलग अलग चीजें प्रपोज हुई थी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें आई थी. फिर हमारा एक्टिविटीज. अब एक्टिविटीज क्या गवर्नमेंट ने इस प्लान के अंदर रखी? पहला है एनुअल आई चेकअप ऑफ ऑल इंक्यूबेंट्स ऑफ ब्लाइंड स्कूल्स कवरिंग द विजुअल एक्विटी, फंडस एग्जामिनेशन एंड अदर अप्रिशिएट एडवांस टेस्ट रिक्वायर्स टू एसेस चांसेस ऑफ विजुअल रिस्टोरेशन. मतलब कि उन्होंने एनुअली पूरे ईयरली चेकअप करवाने के लिए उन्होंने वो रखा था, एक्टिविटी करवाई थी हर ब्लाइंड स्कूल में, ताकि उन लोगों का फंडस एग्जामिनेशन हो जाए. विजुअल उनका कितना आई में देखने का जो पावर है अभी उसको रिस्टोर कर सके, इसीलिए. सेकेंड है आई चेकअप ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर डिजायर टू सीक एडमिशन इन अ ब्लाइंड स्कूल एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस रिकमेंडिंग एडमिशन टू अ ब्लाइंड स्कूल. और इन्होंने फिर जो लोग ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे उनका आई चेकअप करवाने के लिए बोला, और उनको फिर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा. उस सर्टिफिकेट में ये लिखा था कि उन लोगों को इनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस है, मतलब ब्लाइंडनेस उनका ठीक नहीं हो सकती है, और उनको उस स्कूल में ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन दिया जाए. नो पर्सन वुड बी एडमिटेड टू ब्लाइंड स्कूल विदाउट द सर्टिफिकेट. और कोई भी और पर्सन, कोई भी और स्टूडेंट, कोई इंसान उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता था जिसके पास वो सर्टिफिकेट ना हो. थर्ड है फॉलो अप ऑफ ट्रीटेड केस एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक बोर्ड. फिर उन्होंने फिर और फॉलो अप जो केसेस थोड़े ट्रीट हो गए उनको फिर रेगुलर फॉलो अप के लिए बुलाया उन लोगों को, जो रेगुलर फॉलो अप हमारा ऑप्थेल्मिक बोर्ड ने सेट कर रखा था उसके अकॉर्डिंग. फोर्थ है रिहैबिलिटेशन ऑफ इनक्यूरेबल ब्लाइंड वुड बी एज पर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर. उसके बाद रिहैबिलिटेशन मतलब जो लोगों को आई ब्लाइंडनेस है अब वो ठीक नहीं हो सकती, तो उनको रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज में उन लोगों ने इन्वॉल्व किया. फिफ्थ है लो विजन एड्स टू स्क्रीन ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फॉर रिफ्रेक्टिव एरर्स एंड अवॉइड स्पेक्टिकल्स फ्री ऑफ एंड प्रोवाइड स्पेक्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है. फिर हर स्कूल में उन्होंने मैंडेटरी आई चेकअप करवाने के लिए बोला, और फिर उसमें अगर थोड़े बच्चों को थोड़ा सा भी आईज का प्रॉब्लम हो तो उनको फ्री में चश्मे दिए. सिक्स है आई चेकअप ऑफ इंक्यूबेंट्स ऑफ ब्लाइंड स्कूल्स इंक्लूडिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन. एवरी स्कूल्स अप टू द इंक्यूबेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल इंक्लूडिंग स्पेशल फिर है हमारा सेवेंथ 100% अचीवमेंट ऑफ कैटरेक्ट ऑपरेशन ऑफ विच 90% विद IOL एंड 10% फॉर सिंपल कैटरेक्ट सर्जरी 2009-2010. फिर उन्होंने 100% अचीवमेंट टेस्ट मतलब अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला, जिसमें उन्होंने 90% तो कैटरेक्ट की ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया और 10% सिंपल कैटरेक्ट की सर्जरीज को सक्सेस किया 2009 से लेकर 2010 तक.
स्ट्रेटजीज, अब हमारा इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी, द फोर प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजीज ऑफ द प्रोग्राम इज, अब चार हमारा इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रेटजी थी। पहली स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस डिलीवरी है, जो हमारा आई केयर है, आई चेकअप है, जो हमें डिलीवर करनी है अपनी सर्विसेज पब्लिक को, तो उसका जो डिलीवरी सिस्टम है उसको और मजबूत बनाया। सेकेंड है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर आई केयर, आई केयर करने के लिए लोगों का उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज था उसको और स्ट्रेंथन किया और ताकतवर बनाया और उसको डेवलप किया। थर्ड है प्रमोटिंग आउटरीच एक्टिविटीज एंड पब्लिक अवेयरनेस, जो आउटरीच एक्टिविटीज है जिससे पब्लिक को हमारा फायदा मिले उस चीजों का, ठीक है, और पब्लिक में और अवेयरनेस बढ़ाई उन लोगों ने। डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, और जो हर इंस्टीट्यूट में थे उन्होंने और कैपेसिटी बढ़ाई, चाहे वो मतलब हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स की थी, ह्यूमन रिसोर्सेस थी, ये सब भी उन्होंने और डेवलप करवाया। फिर है हमारा रिवाइज स्ट्रेटजीज, रिवाइज स्ट्रेटजीज में है टू मेक द नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाय स्ट्रेंथनिंग सर्विसेज फॉर द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, लाइक कॉर्निया ब्लाइंडनेस रिक्वायरिंग ट्रांसप्लांटेशन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन गोइंग चिल्ड्रन, इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इम्प्रूविंग फॉलो अप सर्विसेज ऑफ कैटरेक्ट ऑपरेटेड पर्सन्स एंड ट्रीटिंग अदर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस लाइक ग्लूकोमा। मतलब उन्होंने नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को और कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेंथन बनाया। सिर्फ वो ब्लाइंडनेस का ही, नॉर्मल जो ब्लाइंडनेस का है उससे अदर कॉजेज भी हैं जो ब्लाइंडनेस को, उसको भी ट्रीट करेंगे, जैसे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है किसी को, रिफ्रैक्टिव एरर्स है मतलब देखने में थोड़ा एरर है स्कूल गोइंग बच्चों को, ठीक है, इम्प्रूविंग फॉलो अप सर्विसेज, जो कैटरेक्ट के जो पेशेंट है हमारे मोतियाबिंद के, उनका जो ऑपरेशन के बाद जो रेगुलर फॉलो अप वाले हैं, तो उस चीज को भी इन्होंने नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में अपने अंदर रखा। सेकेंड है टू शिफ्ट फ्रॉम आई कैंप अप्रोच टू अ फिक्स फैसिलिटी सर्जिकल अप्रोच एंड फ्रॉम कन्वेंशनल सर्जरी ऑफ IOL इम्प्लीमेंटेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेशन विजन एंड ऑपरेशन पेशेंट। तो उन्होंने जो आई कैंप था सिर्फ उसमें रेगुलर मतलब चेकअप के अलावा उन्होंने जो IOL की सर्जरीज थी वो भी लोगों तक मतलब वो भी अपने से प्रोवाइड करने के लिए बोला। थर्ड है टू एक्सपेंड द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड आई ऑपरेशन थिएटर्स, आई वार्ड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ट्रेनिंग ऑफ आई सर्जन, मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी एंड द आई सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा टू द होल कंट्री। तो इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट थे उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ाया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड आई ऑपरेशन थिएटर। आई ऑपरेशन थिएटर जो सिर्फ और सिर्फ आई के जो एबनॉर्मेलिटीज है उसको ट्रीट करेंगे। फिर आई वार्ड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आई वार्ड्स भी उन्होंने खोले, ट्रेनिंग ऑफ आई सर्जन, आई से रिलेटेड जो सर्जन पढ़ाई करते हैं उसको भी इन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट किया, मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी एंड अदर आई सर्जरी एंड सप्लाई ऑफ ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट्स। फोर्थ है टू स्ट्रेंथन पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोग्राम एंड टू एयरमार्क जियोग्राफिक एरिया ऑफ NGOs एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट यूनिट्स लाइक मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs एंड PHCs एक्सेट्रा। तो उन्होंने और भी मतलब जो ये हमारे सिस्टम से NGOs हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो आई चेकअप क्लिनिक है, CHC है, PHC है, उनको उन्होंने और स्ट्रेंथन किया और मजबूत किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए अगर वहां का सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड होंगी तब। फिफ्थ है टू एनहेंस द कवरेज ऑफ आई केयर सर्विसेज इन ट्राइबल, तो जो ट्राइबल एरिया है उधर जो आई केयर सर्विसेज है जो ट्राइबल एरियाज में, वहां पर उन्होंने आई की जो केयर है उसको और इनहेंस करवाया। अंडर सर्व्ड एरिया थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइलेटरल ब्लाइंड पेशेंट, और उन्होंने कैसे, उन्होंने पहले ब्लाइंड जो बाइलेटरल ब्लाइंड पेशेंट है मतलब दोनों आंख से अंधे पेशेंट है उन लोगों को और ट्राइबल एरिया में उनको और अच्छे से जो आई केयर है वो प्रोवाइड करवाई। प्रिपरेशन ऑफ विलेजेस वाइज ब्लाइंड रजिस्टर, फिर उन्होंने विलेजेस गांव के हिसाब से ब्लाइंड रजिस्टर्स अपने प्रिपेयर करें, एंड गिविंग प्रेफरेंस टू बाइलेटरल
पेशेंट्स, ब्लाइंड पेशेंट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, फिर बाइलेटरल ब्लाइंड पेशेंट से दो दोनों आंख से अंधे पेशेंट है उनको कैटरेक्ट सर्जरी के लिए भी उन्होंने प्रेफरेंस दी। विजन 2020 द राइट टू साइट, तो हमारा विजन था जो 2020 का वो ये था, द राइट टू साइट मतलब हर किसी को राइट है देखने का। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस अवॉइडेबल प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल ब्लाइंडनेस बाय द ईयर 2020। इंडिया इज द कमिटेड टू दिस इनिशिएटिव। तो हमारा ग्लोबल, हमारे पूरे ग्लोब, हमारा पूरा वर्ल्ड का मोस्ट प्रायोरिटी पे इनिशिएटिव ये था कि हम जो आईज से रिलेटेड जो ब्लाइंडनेस है उसको प्रिवेंट करें कि ना हो, अगर हो गई है तो उसको क्योर करें, उसको ट्रीट करें बाय द ईयर ऑफ 2020 में। इंडिया इज ऑल्सो कमिटेड फॉर दिस इनिशिएटिव। और इंडिया ने अब भी तो हमारे जो इंडिया है तो इंडिया ने इस इनिशिएटिव को वो कमिटेड हुई मतलब उन्होंने भी मंजूरी भरी कि हम भी इस इनिशिएटिव को अपने साथ लेकर चलेंगे। द प्लान फॉर द कंट्री हैज बीन डेवलप्ड विद फॉलोइंग मेन फीचर। तो प्लान था हमारा कंट्री का वो डेवलप हुआ इन सब फीचर्स को लेके। टारगेट डिजीज आर, तो इसमें टारगेट डिजीज थी कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद रिफ्रेक्टिव एरर्स, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ, वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम। द प्रपोज फोर टायर स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 20 बनाए, ट्रेनिंग सेंटर 200, सर्विसेज सेंटर 2000 एंड विजन सेंटर 20,000। प्रपोज विजन प्रपोज फॉर स्ट्रक्चर 2020, तो हमारा जो प्रपोज स्ट्रक्चर था 2020 का जैसे मैंने आपको बनाया था, जो इनिशिएटिव सब कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड ने मिलके लिया था उसका टर्शरी हमारा स्ट्रक्चर ये था, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर था वो था कि हमें प्रोफेशनल लीडरशिप को बढ़ाना है, स्ट्रेटजीज है उसको और हमें डेवलप करना है, रिसर्चेस करनी है हमें, ठीक है, और सर्विसेज सेंटर्स में कैटरेक्ट की सर्जरीज हमें और सक्सेसफुल बनानी है, अदर आई सर्जरीज को भी हमको साथ लेके चलना है, फैसिलिटीज और रिफ्रेक्शन और रेफरल सर्विसेज भी हमारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। विजन सेंटर 20,000 का ये था। प्राइमरी हेल्थ केयर देन स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्कूल में भी आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, स्क्रीनिंग एंड रेफरल सर्विसेज, देन रिफ्रेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस।